कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी निकल पड़े हैं 1.5 महीने की किसान जनजागरण यात्रा पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए ये कांग्रेस की सबसे बड़ी मुहिम है। यूपी में किसानों की हालत के नाम पर राहुल के असली निशाने पर है केंद्र की मोदी सरकार। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पिछले साल मोदी जी ने अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों का माफ किया। ठीक है, आप माफ करना चाहते हैं अमीर लोगों, बड़े लोगों का कर्ज माफ करना चाहते हैं, आप कीजिए, मगर क्यों नहीं आप किसान का भी कर्ज माफ करें। और जैसे हमने 70,000 करोड़ रुपए माफ किया था, वैसा ही मोदी जी यूपी के किसान का और हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करें। यूपी में कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के सुझावों पर अमल करते हुए पार्टी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार दिया और अब राहुल की वो यात्रा सामने जो उनके अब तक के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी यात्रा है। कांग्रेस इस बार नई ऊर्जा के साथ यूपी विधानसभा चुनाव के मैदान में दिख रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि यूपी में अब कांग्रेस का उठना मुश्किल। श्री राहुल गांधी और इनकी मां के संरक्षण में चलने वाली श्री मनमोहन सिंह की सरकार के समय में देश निराशा में था और इनकी यात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। राहुल जी, किसान यात्रा हैज बीन ए रिजाउंडिंग सक्सेस विद द पुअर, द डाउनट्रोडन, द फार्मर एंड फार्म लेबरर ज्वाइनिंग इन ए अनप्रेसिडेंटेड स्पिरिट एंड इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लाइनिंग अक्रॉस द एंटायर रूट। भारतीय जनता पार्टी इज ऑब्वियसली वरीड, दे आर बिविल्डर्ड एंड दे आर नाउ रिजॉर्टिंग टू reckless and wild allegations purely on account of frustration of the success of the Kisan Yatra. राज्य के आधे से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों से गुजरने वाली राहुल गांधी की इस यात्रा में जगह जगह खाट सभाएं भी हैं। इसलिए इसे 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा कार्यक्रम से जोड़ कर देखा जा रहा है, जो काफी हिट रहा था। सवाल है, पिछले विधानसभा चुनाव में महज 28 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को क्या राहुल की यात्रा से सत्ता का टॉनिक मिल पाएगा? प्रेम शंकर मणि, APN देवरिया।